शिवपुरी पुलिस ने जैन मंदिर में हुई चोरी का महज 48 घंटों के अंदर खुलासा करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से भगवान शांतिनाथ और भगवान आदिनाथ की मूर्तियां भी सही सलामत बरामद की गई हैं। साथ ही दान पेटी तोड़कर 7,000 रुपए चोर ले गए थे, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि जैन मंदिर में चोरी करने में 7 चोर शामिल थे, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है और 2 चोरों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस चोरी में सागर जिले और शिवपुरी जिले के चोरों ने मिलकर संयुक्त रूप से जैन मंदिर में मूर्ति चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इन चोरों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए चोरों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं 48 घंटे के अंदर पुलिस मूर्ति चोरों तक पहुँच गई और दोनों मूर्तियाँ सकुशल बरामद की गईं। इस मौके पर जैन समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और उनकी टीम का सम्मान किया। 11 तारीख को जो जैन मंदिर में जैन मंदिर है हमारा थाना देहात में, इसमें चोरी हुई थी जिसमें 2 भगवान की मूर्तियां गई थी और साथ में दान पत्र तोड़ के उसमें से पैसे निकाले गए थे, कुछ चांदी का छत्र वगैरह भी उसमें गए थे। और ये वारदात के बाद में तत्काल सारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पे गए थे। हमारे SDOP शिवपुरी अजय भार्गव और उनके साथ में हमारे तीनों थाना प्रभारी शहर के जो हैं, थाना प्रभारी देहात विकास यादव, अमित भदौरिया, सब इंस्पेक्टर कृपाल यादव, थाना प्रभारी फिजिकल, तीनों ने मिलकर अपनी टीमें बनाई और पूरे क्षेत्र का बड़ा बारीकी से सर्वे किया, कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, और जितने CCTV लगे थे उनके फुटेज लिए, साइबर की मदद ली और फॉरेंसिक की मदद ली। तो हम लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि लोकल आदमी इसमें शामिल है। अब इसमें पूछताछ में और लगातार जानकारी रखने के बाद में हमको लोकल के 2 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली। उनसे पूछताछ करने में पता लगा कि इसमें जो आरोपी हैं वो सागर से आए थे। वो तीन आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी हमने 5 आरोपी पकड़ लिए हैं, दोनों मूर्तियां सुरक्षित बरामद कर ली है। हमने इसके साथ में घटना में प्रयोग किए गए अपराध में 2 मोटरसाइकिलें जो स्थानीय लोगों की है दोनों जब्त की है, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे सागर के लोग यहाँ आए थे उनको किया है। अभी 1 आरोपी सागर का बचा हुआ है और 1 आरोपी कनाडा का बचा हुआ है, जिसमें हमको 7,000 रुपए नगद बरामद करने में भी सफलता मिली है। और जो टीम को 10,000 रुपए नगद इनाम देने की पहले से घोषणा की गई थी वो भी उनको दिया जाएगा। बहुत अच्छी मेहनत इन्होंने की है और ये बहुत जल्दी 48 घंटे में ये बहुत अच्छी सफलता शिवपुरी पुलिस को मिली। अभी बहुत कम टाइम हुआ है लेकिन अभी कैमरा फेसिंग में उन्होंने ये बताया है कि उनको करेड़ा के एक व्यक्ति जो बदमाश है इसमें, उसने बताया था कि यहाँ पे वारदात करने चलना है और वो व्यक्ति जो सागर से आए थे उनका कहना था कि हमें ये लोकल वाले भी इतना ज्यादा नहीं जानते थे, स्थानीय शिवपुरी वाले, करेड़ा वाला मीडिएटर था, इसके साथ हम आए थे और करेड़ा में उस व्यक्ति ने मूर्तियां रख ली थी, बाकी कैश हम लोग ले गए थे और थोड़ी देर बाद इसका बंटवारा करते हम लोग बेचने के बाद में। और अभी इनका प्राइमा फेस ये कहना है कि जो जैन मंदिर था काफी आना जाना वहाँ होता है, प्रतिष्ठित मंदिर है, तो इनको ज्यादा पैसे की उम्मीद थी और पैसा नहीं मिला तो ये मूर्तियां ले गए। मैंने बता दिया आपको, अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आज ही पकड़ा है इनको, अभी इनसे PR भी लेंगे, वैसे और पूछताछ करेंगे, इनके साथियों को भी पकड़ेंगे और चीजें क्लियर होंगी जो ये बताएंगे हम उसको अन्य एंगल से भी वेरीफाई करेंगे। इनमें से तीनों जो सागर के हैं तीनों का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाया गया। लोकल के 2 व्यक्ति हैं शिवपुरी प्रॉपर के और 1 व्यक्ति करेड़ा का जो फरार है। महेंद्र जैन भैयन, आज जो पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मूर्तियां बरामद की है जैन मंदिर की, तो आप बहुत सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? ये पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP साहब अजय भार्गव जी और कृपाल सिंह जी जो अपने फिजिकल थाने पर पदस्थ हैं, देहात थाने में विकास यादव जी, करेला के TI साहब सतीश चौहान जी और पूरे पुलिस फोर्स ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। मात्र 48 घंटे में चोरों को पता लगाना, वो भी इतनी दूर चोर निकल गए थे और उनके विभाग ने इतना बहुत शानदार काम किया। जैन समाज उनका बहुत बड़ा ऋणी है कि पुलिस अधीक्षक महोदय पूरी पुलिस टीम ने इतना शानदार कार्य किया, 48 घंटे के भीतर मूर्तियां बरामद की है। जी हाँ, आज पूरी जैन समाज सम्मान और आगे भी किया करेंगे उनका सम्मान, तो
अभी तो गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।